student, good morning. Students, now open the page number 52 in workbook. Unit 3, chapter 2, Lalu and Pillu. Look, listen and repeat. And there was hen. She had two cheeks red, loved things yellow, one day saw something on plant it, he ate up no chili, very hot, mouth started burning, screamed, mother came running to shade gate 4, you brought laddu gobbled the he's stopped, kissed. Students, इसी तरह ये सारे वर्ड का रिपीटेशन आपको भी करना है. Now student, write the correct option A, B, C or D in the box. Students, मैंने already answer ready कर लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको समझने में इजी रहे. Write the correct option. First वाला है, how many chicks had the hen? Hen के 2 chicks थे, पता है ना आपको? Yes. तो अभी यहाँ पे question ऐसा है कि how many chicks? तो कितने थे? 2. Yes. तो answer रहेगा C, 2. सामने box है, उसमें लिखना है C. Second, what were the names of the chicks? वो जो 2 chicks थे उसके नेम क्या थे? A, Lalu and Pillu, Lilu and Pillu, C, Lalu and Balu, या D, Lalu and Kalu. So, A आएगा answer, Lalu and Pillu. Third, who loved red things? Red things किसे पसंद थे? A, mother hen, B, Pillu, C, Lalu, या D, Lalu and Pillu. तो red thing किसे पसंद थी? Lalu. Yes. Fourth one, blanks loved yellow things. Yellow things किसे पसंद थी? Mother hen, B, Pillu, C, Lalu, या D, Lalu and Pillu. So Pillu को पसंद थी, इसलिए आंसर आएगा B, Pillu. Fifth, Lalu loved blanks things. Lalu को कैसे चीज पसंद थी? तो आंसर है A, red, B, orange, C, yellow, या D, blue. So answer is A, red. Six, Pillu loved blanks things. Pillu को क्या पसंद था? Blue, orange, red, या yellow things. कैसी things उसको पसंद थी? कैसे थिंग्स को वो लव करता था पिल्लू? आंसर डी, येल्लो. यस. नाउ सेवेंथ, वो वाज येल्लो. येल्लो कौन था? लालू, बी मदर, सी पिल्लू, या डी लालू एंड पिल्लू. सो सी पिल्लू. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वो वाज रेड? ए मदर, बी लालू एंड पिल्लू, सी पिल्लू, या डी लालू. सो आंसर इज डी लालू. व्हाट डिड लालू ईट? ए रेड एप्पल, बी रेड चिल्ली, सी रेड टोमेटो, या डी अ येलो चिल्ली. सो आंसर इज बी अ रेड चिल्ली. 10, द रेड चिल्ली वॉज वेरी. रेड चिल्ली है सो क्या होगी? Hot. Yes.
होट, बी सावर, सी स्वीट या डी टेस्टी? तो ए होट। लालूस ब्लैंक स्टार्टेड बर्निंग। ए हैंड्स, बी आईज, सी माउथ या डी नोज? सो आंसर इज सी माउथ। ट्वेल्थ, व्हाट डिड पिल्लू ब्रिंग? पिल्लू क्या लाया? ए रेड लड्डू, बी रेड चिल्ली, सी येलो लड्डू या डी येलो चिल्ली? सो आंसर इज सी येलो लड्डू। 13, हु एट द लड्डू? लड्डू कौन खा गया? ए मदर हैन, बी लालू, सी पिल्लू या डी ऑल? सो आंसर इज बी लालू। 14 एंड द लास्ट, मदर हैन एंड लालू ब्लैंक्स पिल्लू। मदर हैन लालू दोनों ने पिल्लू को क्या किया? स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन्स डांटना, बी पुल्ड खींचना होता है जिसका मीनिंग, सी हेल्प या डी किस्ड? सो आंसर इज किस्ड। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड ऑलरेडी यू हैव अ आंसर ऑफ इट बिकॉज आई ऑलरेडी डन फॉर यू। सो राइट दिस मल्टीपल चॉइस इन योर वर्कबुक। लुक लिसन एंड रिपीट। एट, डेट, गेट, बी फ्ली ग्ली, ब्रिंग रिंग थिंग। नाउ चर्न बर्न टर्न, ब्रीक चिक क्लिक, क्रीम स्क्रीम स्ट्रीम। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 54, सर्कल द ओड वर्ड इन ईच सेट। फर्स्ट ए सिंग, ब्रिंग थिंग स्ट्रीम। सो स्ट्रीम है वो ओड वर्ड है। सेकेंड ए क्लिक, क्रीम सिक चिक। सो क्रीम है वो ऑड वर्ड हुआ। क्यों ऑड वर्ड होते हैं वो स्टूडेंट आगे भी हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है कि उसका प्रोनंसिएशन भी देखना है, उसका स्पेलिंग भी देखना है। फर्स्ट वाला है सिंग ब्रिंग थिंग, तो सारे आईएनजी वाले हैं, स्ट्रीम है वो अलग होता है। उसके बाद क्लिक सिक चिक, सारे आई सी के क्रीम है वो अलग, इसलिए। थर्ड है ब्रिंग चर्न बर्न टर्न, यू आर एन यू आर एन यू आर एन, प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग सेम। सो ब्रिंग इज अ ओड वर्ड। फोर्थ डेट सीट गेट हेट, सो सीट इज ओड वर्ड। फिफ्थ क्रीम स्ट्रीम स्टॉप ड्रीम, सो स्टॉप इज अ ओड वर्ड। नाउ स्टूडेंट, हियर इज अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर यू। यस स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, तो टिक मार्क राइट द थिंग्स दैट आर येलो एंड कलर देम। जो थिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही है उसमें से जो चीज़ येलो होती है उसको आपको राइट करना है, फिर येलो कलर फिल करना है। तो सन, एप्पल और बनाना में से कौन येलो होता है? तो एक तो सन और ये बनाना। तो इस तरह दोनों में आपको येलो कलर फिल करना है। देन है टिक द राइट थिंग दैट आर रेड एंड कलर देम। अब यहाँ पे फिर से तीन थिंग दिए, तो तीनों में से रेड कौन होता है? तो यस रेड एप्पल होता है और
रेड रोज होता है, तो इस तरह आपको कलर फिल करना है। देन टिक राइट मार्क द थिंग्स दैट आर ग्रीन, जो चीज़ ग्रीन होती है उस पे आपको राइट करना है और फिर उसमें कलर करना है। तो यहाँ पे ग्रेप्स है वो ग्रीन होती है और ये लीफ है वो ग्रीन होता है। सो उन दोनों पे आपको राइट मार्क बनाना है और कलर भी फिल करना है। इस तरह ये सारी एक्टिविटी जो टिक मार्क करके कलर करना है वो करने में भी आपको मजा आएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट पेज नंबर 55 इज़ अ वेरी इजी फॉर यू स्टूडेंट। आपको रीड एंड राइट क्यू से लेके जेड तक यहाँ पे ABCD लिखने की है। सो आपको लिखना है एंड रिमेंबर द थिंग दैट द विच लेटर इज टच द विच लाइन। आपको ये याद रखना है कि कौन सा लेटर कौन सी लाइन को टच करता है। ओके स्टूडेंट, फिर पेज नंबर 56 और 56 वो भी इजी है। इसमें आपको AEIOU ये 5 क्या है वो वेल है। ओके, तो उसके रिलेटेड ही एक्सरसाइज है। उससे पहले कुछ वर्ड है वो हम रीड करेंगे और ये रीड करने का मीनिंग है स्टूडेंट आप भी देखो कि वो कैसे रीड होता है एंड देन आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, एम एंड एंट एक्स बेड सेड केन केट फेट मेट रेट डे रेन टेप कैप बैग टैग ही मी वी लेट मैक वेट रेड बेड टेन पेन हैंड इफ इन इज इट बिग बिट पिग सिट टिन पिन लीड kid no of on so dog log pot coat not fox box boy toy us bus but sun gun hut nut cup tub Now student trace the letter and match them with the correct words. अब जो हम pronunciation करते हैं उसमें वो word pronounce होता है AEIOU, तो सामने है pig, cap, bus, hen, dog. तो cap ए साउंड हुआ बीच में तो ए में ज्वाइंट कर दो, फिर ई वाले में hen ई हुआ, फिर pig आई हुआ उसमें साउंड, फिर डॉग इस तरह बस तो यू साउंड हुआ, तो इस तरह आपको उसमें मैच कर देना है। ओके स्टूडेंट, देन स्टूडेंट पेज नंबर 57 लुक लिसन एंड रिपीट। कुछ ये पिंक कलर का बॉक्स है उसमें वर्ड दिए हुए हैं उसको पहले हम रीड करेंगे। केप पेन मेट टेप बॉक्स पोट टॉय पिक पिन सिक्स बेड हैन पेन बस कप गन। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU से फिलअप करने हैं, जैसे कि फर्स्ट है पेन, फिर केप पिक वो ब्लैंक्स आपको फिलअप करनी है, गन मेट कप फिर पोट हैन टेप सिक्स फिर टॉय का फोटो है तो TOY टॉय, इस तरह बस पिन
फैन, बॉक्सर, बेड, BED बेड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस तरह पेज नंबर 57 तक आपको ऐसे ही अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू वेरी मच।